लास्ट के वो तीन बंदे बचे हैं, मतलब कि एक पूरा स्क्वाड और सारे गेमर, एक वन वर्सेस थ्री की सिचुएशन। एक बंदे को नॉक किया, दूसरा बंदा आया, हेडशॉट है बहुत तगड़ा वाला, एक और बंदा नॉक है भाई। लास्ट का ये बंदा बचा है, क्या इसको मैं मार के बोया ले पाऊंगा? हेडशॉट, अरे नॉक हुआ ये तो यार, खत्म क्यों नहीं, अरे बाप रे। सो हेलो दोस्तों, आज हम खेलने जा रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड का रैंकेड गेम प्ले, और मैं लैंड किया हूँ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी प्लेस पीक में, जहाँ पर मैं खरीदूँगा एक गन जिसमें है 30 एमओ। एक बंदे को मैंने नॉक किया एंड ख़त्म किया, और यहाँ पर मिल चुके हैं मुझे 100 कॉइन्स। यहाँ पर मैं मेरी ट्रिक यूज़ करके भाई, ओनली 6 गोली थी जिसमें से 5 गोली इसको हेडशॉट लगी है। चलो तो इनको मारना बहुत ज़रूरी है, दो बंदे हैं वैसे उनके पास भी उतनी अच्छी गन नहीं है जिससे वो मुझे मार पाए, लेकिन मैं यहाँ पर 100 कॉइन से 30 एमओ और ले सकता हूँ। सामने एक और बंदा, और यहाँ पर मैंने किया उसको नॉक, एक बंदा और ख़त्म, और इसको भी हम ख़त्म करते हैं जल्दी से। ओपी यहाँ पर इसको हम ख़त्म कर देंगे तो 3 किल हो जाएंगे हमारे पीक के ऊपर, और जो कि बिना भाई साहब गन लूटे हैं वो भाई साहब मज़े बहुत तगड़े आ रहे हैं। और मेरे पास भी MP40 है, P90 भी है। एक बंदा सामने, हेडशॉट, बंदा ख़त्म। देखना ये है कि हम और कितने किल कर पाते हैं पीक में। वैसे तो मैं जितने ज़्यादा किल करूं, लोगों को लगता है ये बंदा अभी भी कम किल किया है। वैसे यहाँ पर एक और बंदा है सामने, हेडशॉट लग जाए यार। ओपी यार, कभी कभी शूटअप बॉल नहीं लगते तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, हर वक्त हर जैसा गेम प्ले नहीं होता, ठीक है? मतलब कि कभी कभी इधर उधर गेम प्ले हो जाता है यार, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बट एक प्रो प्लेयर होने के कारण भाई, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए कि हेडशॉट कैसे लग रहे हैं, आप गुलवाल कैसे लग रहे हो, और आप गेमिंग कैसे कर रहे हो। सामने एक और बंदे को मैंने नॉक किया है, 22 बंदे भी अलाइव हैं। सामने एक और बंदा है जिसको मैंने ख़त्म कर दिया, एक MP40, एक लॉन्चर है, और एक पेन है मेरे पास, और एक ये ऑक 7 है, ठीक है? और यहाँ पर 21 बंदे बचे हुए हैं, 6 किल कर लिए हैं। काफ़ी बड़े मैप है अभी, ठीक है? मतलब काफ़ी बड़ा मैप है, पीछे बंदा है, रुक जाओ हम मारते हैं इसको। वैसे तो यहाँ पर मैं बताऊँ तो बहुत सारे बंदे हो सकते हैं भीमा शक्ति में, क्योंकि भीमा शक्ति भी एक बहुत ही तगड़ा प्लेस है जहाँ पर रैंडमली बंदे आते रहते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर शायद बैकग्राउंड में एक फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी यार, मतलब कि पंखे की, क्या ही बता दूँ, गर्मी इतनी है। मैं सोचा पहले तो यार उसको ना एम लगा के मार, हेडशॉट, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैंने ड्रैग किया बंदे को, किया मैंने नॉक, और इसको करते हैं ख़त्म। और शायद से वहाँ एक और बंदा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि भाई कुछ तो है जिससे वो फाइट कर रहा था, एनिमी ही होगा। यहाँ पर मैं चल जाता हूँ, यहाँ पर सेंटिनो को छोड़ देता हूँ, ये चल जाएगा उसके ऊपर और मैं चल जाऊँगा उसके पास, बिल्कुल कतई ख़तरनाक। चलो यहाँ पर मैंने सेंटिनो को छोड़ दिया, सामने बंदा, हेडशॉट लगा बंदे को, और ये लहा बंदा, और ये हेडशॉट, बंदा नॉक, ओपी बोलते। और यदि ये ज़्यादा ही डैमेज कर देता हमारे को तो भाई हमारे पास सेंटिनो भी है, डायरेक्ट हम टेलीपोर्ट हो जाते और दूसरी जगह पहुंच के हम और भी बंदे मार सकते थे, या फिर से इसके ऊपर रश करते थोड़े टाइम के बाद। अरे राइट में बंदा, इतना ज़्यादा डैमेज करने का कोई रीज़न है मेरे भाई? बता दे यार, सही में बहुत ज़्यादा डैमेज किया। यहाँ पर मैंने 2-3 गोली मारा है उसको, ये मैं करता हूँ एक ग्रेनेड। ग्रेनेड करने से बंदा डर जाता है, वैसे तो वो भाग गया, चलो वो बंदा अकेला है, यहाँ पर अकेला बंदे को देख के हम मारेंगे ज़रूर। बट ये नहीं सोचना कि वो अकेला है, उसके पीछे पीछे उसका स्क्वाड भी आ रहा था, मैंने देखा था। और यहाँ पर उसका स्क्वाड आया, वैसे तो एक दो हेडशॉट लगे एंड 3-4 बॉडी शॉट, बट यार बंदे को मैंने नॉक किया है। ओपी एक और बंदा है यहाँ पे, शानदार रे, भाप रे, भागो यहाँ से भाई साहब। मुझे लगा कि इसको मैं मार दूंगा, बट यार मुझे और भी कोई मार रहा है। रुक जा भाई यार, इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है तुझे? वैसे 11 किल मैंने कर लिया हूँ, और अभी पीक फिर से आ चुका हूँ। एक और बार सामने एक और बंदा, अबे 3 बंदे हैं प्यारे, निकल यहाँ से। एक बंदा सामने, वो कौन का मैंने मारा हेडशॉट, और बंदा नॉक है। यहाँ से मैं ग्रेनेड करता हूँ, ग्रेनेड करने से कोई ना कोई बंदा डैमेज डाउन ज़रूर होगा। फिर से एक और बार करता हूँ ग्रेनेड, और भाई साहब 107 का एक डैमेज लगा बंदे को, और उसको किया मैंने नॉक।
अब सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं। इसके दोनों बंदे भाग चुके थे इसको रिवाइव करने के बाद, बट यार उसका लोकेशन मुझे शो कर दिया तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया, नहीं तो मैं इसको नहीं मार पाता। चलो ये अच्छी बात है कि हमने काफ़ी सारे किल कर लिए हैं, 12 किल हमने कर लिए हैं और बहुत सारे बंदे अभी भी बचे हुए हैं। बोला जाए देखा जाए तो यहाँ पर 9 बंदे, 10 थे, अरे 2 बंदे हैं यहाँ पे। मुझे सबसे पहले इस गाड़ी से उतरने के बाद जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि वो बंदे डायरेक्ट ऊपर ही आने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक बंदे को नॉक किया मैंने, दूसरा बंदे को डैमेज है बहुत ज़्यादा, बट मैंने उसको हेडशॉट नहीं मारा, बट यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से मैंने उसको ख़त्म कर डाला ऊपर से नीचे आके। ओपी, इसको एक स्ट्रेटजी बोलते हैं। वो बंदा मुझे पता था कि वहाँ पर ज़रूर उसको बचाएगा, इसलिए मैंने उसको ऐसा किया था। हमने, ओ भाई साहब, इसने मुझे लिटरली वांटेड हेडशॉट या स्नाइपर से मारा है भाई, स्नाइपर से ही मारा है और हेडशॉट लगा है, मैं नॉक हुआ हूँ। और वो बंदा डायरेक्ट मेरे पे रश करेगा, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गुलवाल भी मैंने लगा दिया, अब 2 गुलवाल, बंदा नीचे ही होगा यहाँ पर, मैं उसका वेट करता हूँ, बंदा दिखाएगा और हम ख़त्म कर देंगे। बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर चला गया था वो बंदा। चलो मैंने यहाँ पर उसको नॉक किया, MP40 का स्प्रे बहुत तगड़े है, और यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म करा। OP, 5 बंदे अब बचे हुए हैं भाई साहब, 5 बंदे बचे हुए हैं, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 किल हमने कर ली, 5 बंदे बचे हुए हैं। चलो ये वेंडिंग मशीन से हम कुछ ख़रीद सकते हैं क्या, देखते हैं कुछ खरीदे सकें तो हम खरीद सकते हैं। चलो ख़रीदते हैं यहाँ से AWM ख़रीदें क्या, बताओ क्या ख़रीदा जाए यार, कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ ख़रीदा जाए जो हमको फ़ायदा करे। ये मैंने शूज़ ख़रीदा है, अरे यहाँ पर AWM भी है, रुक जाओ AWM लेते हैं और MO भी लेते हैं, अरे इन्वर्टर स्पेस, रुक जाओ आजा बेटा। चलो हमने स्नाइपर ले लिए हैं, 3 बंदे को मारने के लिए हमने स्नाइपर में 24 गोली ख़रीदा है भाई साहब, गजब। चलो अब देखते हैं, अरे अब तो 4 ही बंदे बचे हैं, मतलब कि एक स्क्वाड है जिसमें से मैं एक हूँ और सामने बंदे 3, एक ही स्क्वाड के सामने बंदा है और सच में वो एक ही स्क्वाड के है भाई। मारते हैं, एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक चला रहा, सामने एक और बंदा हेडशॉट लगा, एक और बंदा आया उसका, इसको भी हेडशॉट लगा, 2 से 3 हेडशॉट, बंदे को किया मैंने नॉक। दिमित्री करेक्टर उसने यूज़ तो ज़रूर किया था लेकिन काफ़ी बाद में। ओके एक और बंदा सामने और ये लगा हेड, और बंदे को किया मैंने नॉक, और ये भाई पूरा का पूरा स्क्वाड ख़त्म कर दिया हमने। लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यार हमने इन 3 बंदे को और ख़त्म करके हमारा हो चुका है बोया 18 किल के साथ। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।